हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर आपके बॉडी का इंटरनल पार्ट का एक बहुत ज्यादा, ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। लीवर का काम क्या है? खाना पचाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये खराब हो जाता है तो आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है और आप या तो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लीवर के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले लीवर को मजबूत बनाने के लिए आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है दिन भर में, ठीक है। कम से कम आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा 8-10 गिलास तक पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, अगर लीवर आपका खराब होता है तो आपको क्या क्या परेशानी आती है, इसके लक्षण क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, जिससे आप जान सके कि मेरा लीवर डैमेज हो रहा है या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखिए, पेट में जलन, खट्टी डकारे, पेट में दर्द बने रहना, वजन या तो बहुत ज्यादा कम हो जाना या बहुत बढ़ जाना, आलस से थकावट महसूस होना, दिन भर आपको नींद जैसा रहना और थोड़ा भी काम करने में आपको हांफना, ठीक है, मतलब आपका सांस फूलना, ये सारे इसके लक्षण हैं। और पेट में से आवाज आना गड़गड़ की ऐसे, और आपको इंडाइजेशन रहना, खाना नहीं पचना, अगली भूख नहीं लगना, ये सारे इसके कैरेक्टर से लक्षण हैं, लीवर के खराब होने की निशानियां हैं। अब फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए, लीवर क्या है? भट्टी है आपकी, जो खाने को जलाती है एक तरह से। अब उस भट्टी को सुचारू रूप से चलाना है, उसको गर्मी देना है, उसको गर्म रखना है। ये आप बहुत अच्छी उसके साथ कर सकते हैं। देखिए, खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन मैंने बताया हुआ है आपको, देखिए और देख लीजिए, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठना ही बैठना चाहिए। देखिए ऐसे, ये वज्रासन में बैठना है, ये पोजीशन, दोनों आपके हिप आपके दोनों एड़िया, एंकल दोनों हिप पे टच हो और पंजे आपके आपस में मिले हुए हो, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। बस आप ऐसे सीधे बैठ जाइए, इसमें आप मोबाइल देख सकते हैं, बच्चों से बातें कीजिए, टीवी देखिए, कुछ भी करिए। तो ये वज्रासन की पोजीशन है, इसको आपको हर एक खाने के बाद आपको इस पे बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लीवर की मजबूती के लिए। और उसके बाद देखिए, आप देख लीजिए, 2-3 वो भी है इसके लिए एक्सरसाइज है। मंडूकासन बहुत अच्छा है, पेट पे हाथ रख के नीचे झुकना, और जो है आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, लेकिन ये सब खाना खाने के पहले करना। आपको खाना खाने के बाद सिर्फ वज्रासन किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि खाना खाने के पहले आप 1 घंटा पहले 1 गिलास फुल भर के पानी पियेंगे। खाना खाने के 1 घंटा पहले, मान लो आप 11 बजे खाना खा रहे तो आपको 10 बजे 1 गिलास पानी पीना चाहिए, और आधा घंटा पहले 1 प्लेट आपको सलाद खाना है, सलाद खाना है, ठीक है। उसमें ककड़ी, प्याज, मूली, गाजर, कुछ भी हो सकता है, सारी चीजें। बस एक ध्यान रखिए कि आप ककड़ी और टमाटर साथ में नहीं खाएंगे, ये दोनों डिफरेंट उसकी चीजें हैं, तो ये दोनों साथ में नहीं खाते, ककड़ी और टमाटर, ठीक है। बाकी सब आप साथ में खा सकते हैं, आप फ्रूट सलाद भी ले सकते हैं आधा घंटा पहले। अब आप आधा घंटे के बाद खाना खा लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा है ये आपके लीवर को स्ट्रांग रखने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए। और आप बीच में पानी नहीं पियेंगे, अगर आप बिल्कुल ड्राई सब्जी खा रहे हैं, एकदम से सूखी सब्जी खा रहे हैं, तो आप 1-2 घूंट पानी बीच में पी सकते हैं। बाकी आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियेंगे, ठीक है, 1 घंटे बाद। आप चाहे 1 गिलास 2 गिलास जितना पानी पीना आपको पी लीजिए, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद। पहली बात तो ये हो गई। अब सेकेंड बात ये है कि देखिए, लीवर आपका भट्टी है, उसको आपको गर्म रखना जरूरी है। अब आप गर्म, देखिए लीवर आपका दाहिनी साइड होता है पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे से होता हुआ वो इस साइड थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, दाहिने हाथ की तरफ से लेके बाएं साइड जाता है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी, इससे वो स्टिमुलेट होता है, उसका फंक्शन अच्छे से चलता है, ठीक है। तो इसको आप मसाज कर लीजिए, मालिश कर लीजिए इस पे, आप कभी भी कर सकते हैं, आप बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए, मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण यही है, और एकदम से लीन थीन दुबले होने का कारण यही है, कॉन्स्टिपेशन होने का कारण यही है। बार बार अगर आपको मलत्याग होता है, येलो कलर का होता है, तो उसका भी रीजन यही है कि आपका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। अब उसके लिए आपको ये सारी चीजें करना जरूरी है।
अब दूसरा देख लीजिए, एक तो मैंने बताई आपको, देखिए मैं 5-6 क्रियाएं बताऊंगी जिससे आप अपने लिवर को मजबूत रख सकते हैं, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो आपका बेहतर ढंग से काम करे, ठीक है। अब देखिए आप इस पे बहुत अच्छी चीज है, ये थपकी थेरेपी भी कहते हैं इसे, ये लीवर को बहुत अच्छा मजबूत बनाती है। ये कर लीजिए, दोनों हाथ पे कर लीजिए बैठे बैठे, पीछे कर लिया, अब आगे कर लीजिए हाथ पलट के। अब ये कर लिया आपने बैठे बैठे, कर लीजिए 5-7 बार इधर से, 5-7 बार इधर से। अब धीरे धीरे से अपने पैरों की मालिश कर लीजिए, देखिए जो छोटी छोटी सी वेन्स जुड़ी होती हैं सारी आपके लीवर से टच होती हैं, लीवर तक जाती हैं, तो ये करने से वो लीवर स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। देखिए आपको करते ही पता चलेगा, एकदम रिलैक्स महसूस होगा आपको, आप ऐसे बैठे बैठे करते रहिए। देखिए पुराने जमाने में तो मालिश की जाती थी, अब आजकल मालिश नहीं करते हैं, तो पूरी बॉडी की मालिश हो जाती थी, मसाज हो जाती थी, आजकल मसाज करना छोड़ दिया है अपनों ने, इसीलिए सारी दिक्कतें आती हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ, ये एक क्रिया ये हो गई, हाथों को कर लिया आपने, पाओं को कर लिया, इसको कर लिया। अब आप सर में बीच में से जाइए, ओढ़ देखिए ना, ये दोनों साइड पीछे तक ले जाइए दबाते हुए, प्रेस करते हुए। देखिए बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये लीवर को मजबूत बनाने के लिए। अब पीछे से आगे ले आइए, बिल्कुल जो आप ये बीच में मांग निकालते हैं सेंटर में या जहां पे कपाल होता है वहां पे आपको ये करना है। आगे तक लाइए दोनों फिंगर्स ऐसे बांध के और पीछे तक ले जाइए, थोड़ा फोर्सली दबाना है आपको। तो ये हो गई फ्रेंड्स, इसको भी आप 5-7 बार रिपीट कर लीजिए। देखिए बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं सारी क्रियाएं आप। अब एक आप क्या करेंगे, जब आप नहा के उठते हैं, जब आप बाथ लेते हैं, तो अपने टॉवेल को दोनों हाथों में पकड़ लीजिए, एक हाथ यहाँ ऊपर एक हाथ नीचे क्रॉस, और ऐसे से करके टॉवेल को चला लीजिए। ये आपकी पूरी पीठ की मसाज हो जाएगी इससे, इससे भी लीवर स्ट्रांग होगा, उसको गर्मी मिलेगी। फिर ये साइड कर लीजिए, हाथ बदल के ये वाली साइड से चला लीजिए, ऐसे ऐसे टॉवेल को कर लीजिए आप, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब उसके बाद आप थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाइए, देखिए वज्रासन में बैठ के आप ऐसे हाथ को ऐसे चला लीजिए, इसमें आप सांस लीजिए छोड़िए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे कर लिया आपने, अब ऐसे कर लीजिए, हाथ को खोलिए, फिर इस हाथ को ऐसे, ये हाथ फिर ये हाथ, फिर ये फिर ये, फिर ये फिर ये, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज आपने कर ली क्रियाएं बैठे बैठे की। देखिए आपको कुछ खड़े होके नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे करना है सारी चीजें। तो फ्रेंड्स ये थी लीवर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज कुछ। देखिए आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, आप पूरा पूरा दोष अपने लीवर को दे सकते हैं, आप पूरा उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि ये मेरे लीवर की वजह से हो रहा है। अब उसकी वजह से हो रहा है, जब अपना कारण पता चल गया तो क्यों ना उसको ठीक करने के लिए भी अपन कुछ उपाय करें। तो फ्रेंड्स ये सारा कीजिए, और जो है इसके लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, वो थोड़ा सा तेल घी नॉनवेज शक्कर ये सारा बंद कर दीजिए। इसको बचाने में आपको लीवर को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ती है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, आप पपीता खाइए, बहुत अच्छी चीजें हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं, इनमें फैट फ्री प्रोटीन होता है जो आपके काम का होता है। लीवर की हेल्थ के लिए जहां तक खाने की बात आती है, अगर आप 5 दिन तक हैवी मील लेते हैं तो आपको एक दिन लाइट फूड लेना चाहिए, उसमें दलिया हो सकता है, चावल हो सकता है, खिचड़ी हो सकती है और पानी, और आपको एक दिन पूरे दिन उपवास करना है, फास्ट करना है, रोजा रखना है। उसमें आप ऐसा नहीं कि पूरे दिन भूखे प्यासे रहेंगे, उसमें आप केवल फ्रूट्स लेंगे या डिटॉक्स वाटर लेंगे या सिर्फ पानी लेंगे,
तो ये आप ध्यान रखिए, अगर 5 दिन आप हैवी मील खाते हैं तो 1 दिन लाइट फूड और 1 दिन फ्रूट्स या पानी या डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर की मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाल रखी हैं, आप इसमें और डिस्क्रिप्शन में मैं एक आध शेयर कर दूंगी। और अगर आप लाइट फूड ही लेना पसंद करते हैं, हमेशा आप रात में दलिया खिचड़ी या लाइट उपमा वगैरह ओट्स खाते हैं, और जो है आप सुबह में भी थोड़ा हल्का खाते हैं हरी सब्जी वगैरह, ये तो आप 1 दिन हैवी मील ले सकते हैं। हैवी मील में आता है पनीर, नॉनवेज, अंडे, एग्स वगैरह, दालें सारी, ये सब आपके हैवी मील में शामिल है, ठीक है। और तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरी चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।